वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। अपने आप को अपर कास्ट का कहने वाला परवेश शुक्ला लोअर कास्ट के बच्चे पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे गंदी नाली के कीड़े आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जो ऊंच नीच का फर्क करते हैं। इसीलिए हम हर बात ये कहते हैं कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, मगर जो पुरानी सोच से आजाद नहीं हुआ, जिसमें ऊंच नीच था, जिसमें औरत को कोई इज्जत नहीं थी, इसी तरह की सोच संघ परिवार भी आजकल फैला रही है हिंदुस्तान में। सेक्शन 294 और 504 आईपीसी एक्ट के तहत, एससी एक्ट के तहत इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि इस नीच आदमी पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया है, ताकि ये शख्स जेल में लंबी उम्र काटे और दूसरे ऐसी हरकत ना करें। वाकई में बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। इसे हम बीजेपी की हुकूमत की बढ़ती कास्टिज्म पॉलिटिक्स का नतीजा भी कह सकते हैं। जिस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने जैसे अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने अपना खून देकर आजाद कराया, फिर हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने वाले अंबेडकर साहब ने उस सोच को खत्म किया जिसमें कास्टिज्म और ऊंच नीच का भेदभाव था। लोगों को पढ़ने लिखने की सलाह देकर सारे हिंदुस्तानियों को आपस में जोड़ा। आज उनकी मेहनत बीजेपी और संघ परिवार खत्म करती दिखाई दे रही है सारे हिंदुस्तान में। बढ़ती नफरत ने लोगों के दिमाग में इतना भेदभाव पैदा किया है जिसका नतीजा आपके सामने है दोस्तों। किस तरह ये जालिम मुंह में सिगरेट लगाए छोटे मासूम बच्चे पर पेशाब कर रहा है, सिर्फ ये जताने के लिए कि वो बच्चा नीची जाति का है। लानत है ऐसे दरिंदों पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।